मैं एक 3D प्रिंटिंग आर्टिस्ट के पास गया, वहां पे उसने अपने सॉफ्टवेयर में एंड ये जो मास्क है, हेलमेट है, ये कहीं ना कहीं मेरे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है एंड आई वॉन्ट टू डेडिकेट माई लाइफ टू दीज कैरेक्टर्स एंड आई वॉन्ट टू क्रिएट मोर. सो उस चीज का मेरे को ज्यादा फैसिनेशन है देन शोइंग माई फेस एंड हैविंग फेम. अगर अभी आप यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर अपना फेस रिवील करते हो, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, वैसे करोगे नहीं, तो उसमें दिक्कत क्या है? मतलब व्हाट इज द माइनस पॉइंट? मैं 2-3 दिन पहले जब मैं शुरू किया था तब रिश्तेदारों का रिएक्शन वैसा ही था जैसा सब लोगों को मिलता है कि क्या कर रहा है, कुछ नहीं, काम धंधे नहीं है. मेरे डैड तो बोलते थे कि तू क्या है, गुड़िया नचाता रहता है इंटरनेट पे. तो नहीं समझता, किसी को नहीं समझता. तो बेस्ट चीज होती है उसमें इग्नोर करना एंड उनको प्रूव करके दिखाना कि भाई मैं कर सकता हूँ एंड मैंने ये कर दिया. सो आई थिंक जब पैसा आ जाता है ना तो सबका मुंह बंद हो हाँ, जाता पैसा आ है, जाता है सबका सीधी मुंह सी बंद हो बात. हाँ बस. जाता है. मेरा क्वेश्चन ये है कि हर एक यूट्यूबर के पीछे जरूरी नहीं कि आपकी सक्सेस होता है, मतलब उसके पीछे बहुत सारा हार्डवर्क भी होता है. तो कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे और मैं भी एक यूट्यूबर हूँ तो मैं मतलब थोड़ा हैंडल नहीं कर पाती हूँ. तो आपने कैसे हैंडल किया अपनी जर्नी में? जब मैंने YouTube शुरू किया था उस टाइम पे बहुत सारे ब्लॉगर्स भी पॉपुलर हो रहे थे, बहुत सारे कॉमेडियंस पॉपुलर हो रहे थे उस टाइम पे. मेरे को लगता है कि YouTube चैनल खोलना एंड कोई नया आइडिया के साथ काम करना थोड़ा इजी था, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वो चीज करने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि आप किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हो. अगर आप बहुत सारा इंडियन क्रिएटर्स का कॉन्टेंट देख रहे हो एंड आपको लगता है कि मुझे भी कुछ ऐसा करना है, तो कहीं ना कहीं आपको वो जर्नी में बहुत टाइम लगेगा. बट मैं जो कर रहा हूँ वो और कोई नहीं कर रहा है, वो चीज अगर आपके पास है तो आप सॉर्ट है.